संस्कार धानी आर्टिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जबलपुर एवं आईएमए जबलपुर द्वारा विश्व संगीत दिवस पर गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का प्रयास किया गया। इस कार्यक्रम को विश्व संगीत दिवस पर आयोजित किया जाएगा। रात्रि 8 बजे से गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड हेतु 25 घंटे तक इस कार्यक्रम को आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में विभिन्न संस्थानों के कलाकारों द्वारा प्रस्तुति दी जाएगी एवं कार्यक्रम के अंत में अतिथियों द्वारा कलाकारों को सम्मानित किया जाएगा। 20 तारीख को जो विश्व संगीत दिवस का आयोजन होने जा रहा है वो हमारा 4 बजे शुरू होगा, 20 तारीख को शाम को 4 बजे, और उसमें मंत्र उच्चारण के पश्चात हमारे अतिथियों का आगमन होगा। अतिथियों का आगमन हमारा 5 बजे से 8 बजे तक है। 8 बजे के बाद वो अतिथि जब हमें संबोधित कर देंगे, प्रोत्साहित कर देंगे, आशीर्वाद दे देंगे, उसके बाद जो अनकट प्रोग्राम हमारा 9 बजे ऑन होगा गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए, जो टीम आ रही है उसका जो 9 बजे 20 तारीख को बटन ऑन होगा तो वो 21 तारीख को रात को 10 बजे तक चलेगा। इसके बीच में हम सिर्फ मेहमान आ सकते हैं लेकिन हम बीच में कोई उद्बोधन नहीं कर सकते उनको, और ये अनकट प्रोग्राम जो है वो गोल्डन बुक के रिसर्च में जाएगा और उसके बाद शहर ने जो कोशिश प्रयास किया है उसका रिजल्ट हमारे बीच में आएगा। कलाकार इसमें हमारे करीब करीब 150 कलाकार हैं जो कि लगातार ना गा के एक के बाद एक गाएंगे, क्योंकि कोई भी कलाकार रिपीट नहीं होना है, और रिपीट नहीं होने के कारण वो टाइम वेस्ट नहीं है। उस बीच में एंकर के लिए बहुत कम समय है, अगर वो किसी चीज़ के बारे में बोलना चाहते हैं तो वो 30 सेकंड में बोल सकते हैं। ये आईएमए हॉल लिज्जत पापड़ के बाजू में होना है। आईएमए हाउस जो अध्यक्ष साहब हमारे बीच में हैं पांडे जी, उनके संयोजन से ये पूरा प्रोग्राम हमें वहाँ पर करने का मौका मिला है, और तारीख 20 जून को शाम के 4 बजे से लेके 21 जून को रात 10 बजे तक। नमस्कार, देखिए जो संस्कारधानी आर्टिस्ट एसोसिएशन ये आयोजन करना जा रहा है ये अभूतपूर्व है। ये गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जबलपुर का नाम पर्यावरण के लिए आने जा रहा है। हमारी संस्कारधानी से 6 नदियां बहती हैं। पर्यावरण के अगर हम स्तर पे देखा जाए तो जबलपुर विश्व स्तर पे होना चाहिए था, बट ना यूनेस्को ना वर्ल्ड हेरिटेज में हमारा कहीं नाम है। इसलिए हमारे ये जो आर्टिस्ट लोग पर्यावरण के ऊपर 25 घंटे गीत गाने वाले हैं, इसका रिकॉर्ड हम यूनेस्को में भी भेजने वाले हैं, पर्यावरण मंत्री के पास भी भेजने वाले हैं, टूरिज्म मिनिस्ट्री के पास भी भेजने वाले हैं कि उनका ध्यान जबलपुर की तरफ आकर्षित रहे। और आप इस आयोजन की महत्व को इस तरह से समझें, 150 के ऊपर कलाकार ये तो कम बता रहे हैं, मेरे अनुमान से 200 के ऊपर कलाकार आएंगे। अगर एक कलाकार को आप 2,000-3,000 भी मानधन देते तो लाखों का ये खर्चा ये आर्टिस्ट अपनी जेब से निःशुल्क कर रहे हैं। कुछ चीज़ों में तो आप सोच सकते हैं कि पैसा काम आता है, बट ऐसी लगन पैसे से नहीं खरीदी जा सकती, ये भाव है। तो अगर महाकाल बाबा ने चाहा तो हमारा आईएमए का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से भी टाइप है। इस गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड स्टेप बाय स्टेप चलेंगे हम, सीढ़ी दर सीढ़ी। इसके बाद अगला रिकॉर्ड हमारे संस्कारधानी आर्टिस्ट हमारे साथ मिलकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएंगे, और वो आप जबलपुर की जनता और जबलपुर के पत्रकारों के माध्यम से संभव होगा। इन सबको मेरा प्रणाम, मेरा साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।